पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया हल्का के गांव शेखोपुरिया में, जहां पे मैं आपको बता दूं कि चौधरी रणजीत सिंह, जो कि जिनका कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट काटने के बाद निर्दलीय हुंकार भरी है, निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी है, तो वो आज अपना नॉमिनेशन भरने के लिए आप देख सकते हैं एक रोड शो का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियों के काफिलों के साथ चौधरी रणजीत सिंह जो है निर्दलीय ताल जो ठोकी है उन्होंने, वो आज गांव के लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उनको वोट देने की अपील भी कर रहे हैं कि उनको वोट दें। देख सकते हैं आप किस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में, अगर मैं आपको इधर गांव के लोग दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं शेखुपुरिया जो कि छोटा सा गांव है, यहां पे चौधरी रणजीत सिंह को अपार जन समर्थन यहां पे मिला हुआ है। चलिए चौधरी रणजीत सिंह यहां पे किस प्रकार से लोगों को संबोधित करते हैं या संबोधन करते हैं वो दिखाता हूँ, लेकिन उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह के काफिले में किस प्रकार से कितनी गाड़ियों के साथ चौधरी रणजीत सिंह जो है यहाँ से निकले हैं, कितने लोगों की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, वो भी मैं आपको तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह जी के पास चलते हैं, आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। साढ़े दो सौ कांग्रेस था, कांग्रेस में रहना चाह रहा था, पर कांग्रेस भी आदमियों को रखती नहीं, कभी ऐसे हालात बने के जो देवीलाल को भी 1962 में कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और मुझे भी रात के हालात में आपको सबको पता है कि खालिया में जलसा करा, सरसा में करा, 50,000 की लाख की भीड़ तो रणजीत सिंह करता है। मैं गाँव वालों से पूछ रहा हूँ, विनीत कम्बोज को जान लो, कभी शक्ल देखिए, एक रिया से निकाल बताओ, उसको टिकट बिक रही है कांग्रेस को पैसे में, 2 करोड़ रुपए में टिकट बिकी है, बताओ इस कांग्रेस में मैं क्या करूँ। अब मैंने भी फैसला करा कि कांग्रेस छोड़ दी, कल नॉमिनेशन फाइल करूंगा, कल की तारीख में। आज वर्कर मीटिंग थी, 10,000 वर्कर था रानिया में, मैंने कहा तुम तो फैसला करो क्या करो, छोड़ दो राजनीति, कहते ना राजनीति ना छोड़, चुनाव लड़ो, हम साथ हैं, और ये सारी गाड़ियां 2,000 गाड़ियां साथ चलती है, मैंने फैसला कर दिया कि चुनाव लड़ो। कल दरख्वास्त लगाऊंगा, शेखोपुरिया गाँव वालों से मेरी निवेदन है, आपके इस बागड़ बेल्ट की हवा बहुत जबरदस्त है जी, बहुत जबरदस्त, अंदाजा ही नहीं करा, पूरा जोर लगा दो भाई, यहाँ ये 60,000 वोट है, एक तरफा डाल दो जी, कोई हमें कोई छेड़ने वाला नहीं, सारी कांग्रेस साफ हो जाएगी सब जगह, हमें अपनी सीट जीतनी है, इसके लिए पूरा का पूरा जोर लगा दो। साथ चल रहे वर्करों से मैं कहूंगा कि हमने 3-4 गांव और जोड़ लिए, पन्नी वाला मोटा तक चलेंगे, और ये सब इतनी गाड़ियां काफिला वर्कर जाते हैं उससे बहुत जबरदस्त हवा बनती है। आज रानिया शहर एक तरफा हो गया जी, ये वर्कर मीटिंग देखे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये सारी जो आज ये वर्करों की खुशबू फैल रही है ना, इसको आगे से आगे लोगों में बढ़ाए, इसको प्रचार करें, और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, इस इलाके की पहले आपको पानी दिया, इसको मैं और बढ़िया इंतजाम करूंगा, ये मैंने आपसे कह दी, आप देखिए लाल पानी लग रहे, मजा आ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो करूंगा भाई, बहुत धन्यवाद, मेरा साथ दो, बहुत तो यहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह ने किस प्रकार से संबोधन दिया, किस प्रकार से लोगों को संबोधित किया वो आपने देखा। तो अभी मैं अगर बात करूँ तो चौधरी रणजीत सिंह का काफिले की बात करूँ तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह के काफिले के साथ गाड़ियों का जो हुजूम वो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं कैमरा सहयोगी से दरख्वास्त करूंगा कि कैमरा ऊपर करके आपको थोड़ा सा दिखाए कि किस प्रकार से गाड़ियों का काफिला जो है चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में यहाँ पे आया हुआ है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है चौधरी रणजीत सिंह ने, और चौधरी रणजीत सिंह का कहना है कि यहाँ पे जैसे ही वो रानिया से निकले थे तमाम गांव का दौरा करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और तमाम गांव के लोगों ने भी उनको यही कहा है, यही आश्वासन दिया है कि राजनीति उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, वो लोग उनके साथ हैं। तो इसी के मद्देनज़र चौधरी रणजीत सिंह आज नहीं कल यानी कि 4 अक्टूबर को
अपना नामांकन पत्र भरेंगे। आज का जो है चौधरी रणजीत सिंह का नामांकन स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कल 4 तारीख को नामांकन पत्र भरेंगे और आज ये काफिला आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह की हवा किस प्रकार से है, चौधरी रणजीत सिंह को आने वाले समय में किस प्रकार का जन समर्थन मिलने वाला है। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।